पूरे के पूरे गांव में साथियों लाशों ही लाशों का ढेर लग चुका है। जिस घर में जाए वहीं पर मची है रोया धड़, जिसको देखे सबकी आंखें नम हैं। जी हाँ दोस्तों, इस कदर की एक दर्दनाक खबर निकल कर आ रही है, पूरे गांव में मातम पसर गया है। जी हाँ दोस्तों, ये आखिरकार ऐसा प्रशासन क्यों कर रहा है साथियों, इन सबको बंद क्यों नहीं करा रहा। जी हाँ दोस्तों, इस कदर की दर्दनाक खबर निकल कर सामने आ रही है। आखिरकार साथियों लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं लोग, हवस के शिकार होते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी दर्दनाक खबर निकल कर सबकी आ रही है फिर से बिहार में। बिहार में शराब से फिर लोगों की मौतों का आंकड़ा बढ़ना शुरू हो गया है। जी हाँ, अभी अभी की खबर है, 8 लोगों की और जान चली गई, यानी कि साथियों 8 परिवार और उजड़ गए। इनमें 2 सगे भाई हैं। मामला सारण जिले के मकेर थाना क्षेत्र का है। शराब पीने से लोगों की मौत जानकारी के बाद प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि सूबे में पूर्ण शराबबंदी लागू है। ऐसे में लोगों को शराब कहां से मिल रही है, लोग कैसे पी रहे हैं, उस पर सुसने सवाल होगा। जी हां, आखिरकार जब पूर्ण रूप से सूबे में शराबबंदी पहले से ही कर दी गई है, तो आखिरकार लोग फिर शराब से क्यों मर रहे हैं, आखिरकार शराब कहां मिल रही है, कहां चोरी से चल रही है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बीच सारण जिले में शराब पीने से 8 लोगों की जान चली गई। मकेर थाना क्षेत्र के भाता नौनैया टोली, भैलदी थाना क्षेत्र के सोनो भाता गांव में जहरीली शराब पीने से गुरुवार को 2 सगे भाई समेत 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि शराब पीने से 17 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई।